का फरमान, स्कूल को उड़ाया। आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी पर धोखाधड़ी का मुकदमा, जयपुर ब्लास्ट पीड़ितों को दिए जाने वाली सहायता में खपले का आरोप। अमर सिंह का नया शगुफा, अगर पवार पीएम पद के प्रत्याशी हुए तो समाजवादी पार्टी करेगी समर्थन। अजमेर में रेलवे स्टेशन मास्टर का पर्चा लीक, यूपी एसटीएफ ने पकड़ा फर्जीवाड़ा, 100 से ज्यादा लोग हिरासत में। यूपी के जालौन में कांग्रेसियों में जूतम पैजार, नेताओं के स्वागत को लेकर फायरिंग, इलाके में तनाव। और मुंबई हमले पर महाराष्ट्र सरकार की कमेटी की जांच में तेजी, पुलिस के आला अधिकारियों से पूछताछ। और आइए अब देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटीजन जर्नलिस्ट। दिल में अगर जज्बा हो तो उम्र आड़े नहीं आती, इसकी एक जिंदा मिसाल है 109 साल के एक बुजुर्गवार, जो इस उम्र में भी स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों के रखरखाव में जी जान से जुटे हुए हैं। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान दिया उनमें से एक हैं कक्का डोंगर सिंह। 109 साल के कक्का डोंगर सिंह आज भी युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आजादी की जंग के नायकों को वो याद रखें, क्योंकि उनकी वजह से हम आजाद हैं। ये देन है उन वकील और बैरिस्टर बुद्धिजीवियों की कि जिन्होंने अपना सब कुछ खो करके और हम लोगों को लोकतंत्र की तरफ भेजा। कक्कर डोंगर सिंह ने आजादी के बाद कोशिश की कि ग्वालियर में उन महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जाएं जिन्होंने आजादी की जंग का नेतृत्व किया। उनकी कोशिशें रंग लाईं। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई लोगों की प्रतिमाएं ग्वालियर में लगाई गईं। अब कक्कर डोंगर सिंह इन मूर्तियों की लगातार खुद सफाई करते हैं। कक्का को अभी भी इस बात का मलाल है कि जब पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मना रहा था, उसी दौरान रियासतकालीन सत्ता की वजह से ग्वालियर वासी तिरंगा नहीं फहरा पाए थे। वो समय कक्का आज तक नहीं भूले हैं। शायद यही वजह है कि वे बुढ़ापे में भी आजादी के नायकों की मूर्तियों की देखभाल कर रहे हैं। मैं डोंगर सिंह IBN 7 के लिए। सिटीजन जर्नलिस्ट का मकसद है आपकी अपनी कही हुई कहानियों को, आपके अपने संघर्ष को बहुत सारे लोगों के सामने रखना, हजारों लाखों लोगों को प्रेरित करना। आप भी सिटीजन जर्नलिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं 9871096692 पर, या फिर अपनी कहानियां, अपने फोटोग्राफ्स और वीडियोस हमें भेज सकते हैं IBNkhabar.com पर। अगले हफ्ते आप ही के संघर्ष की नई कहानियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा।